नमस्कार, नेशन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने जब ये शेर लिखा होगा तो उन्हें भी यह नहीं पता होगा कि एक दिन दरभंगा में बैठे एक विधायक जी उनकी वाणी पलट देंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। दरभंगा के एक समारोह में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यह कह दिया कि मजहब खूब सिखाता है आपस में बैर रखना। हरिभूषण दरभंगा में एक कवि विद्यापति की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां भाषण देते वक्त उन्होंने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना दुनिया की सबसे बड़ी झूठी बात है, मजहब खूब सिखाता है आपस में बैर रखना। क्या बोल रहे हैं बीजेपी विधायक, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारा शायद यही लल परमात्मा विधायक बनल 5 में बड़ा उपस्थित रहे विद्यापति जी के भी जे पार लागल हम सौंदर्यीकरण कैली, हम फिर नहीं छलिए, फिर अब आ गेली। देखियो बैजू बाबू के त्याग तपस्या, बैजू बाबू के मिथिलांचल में देन, मैथिली के लेल हिनकर हरनिश चिंता केकरो से छिपल नहीं है। और विश्व के आज रतिन अडवाणी जी हमरा याद है राज मैदान में कहने लगिन विश्व की सबसे मधुर भाषा है मैथिली। मैथिली में खून तो हम अहा बोली चल के जे काम होए है हम आकर जे खून क देव तो बुझ के खिसी आ गए लोग हट गए। विश्व में एतेक समृद्ध भाषा भी नहीं है। कभी कहने लगती हम बच्चा रहे भविंदर बाबू जे अब एगो लाठी है तो बेम्बू स्टिक है या तो छोकी पैना डरखा, एगो आम है मैंगो है और यहाँ तो टुकला कुलपत डमरस एगो सेंट है तो गंध डराइन फकराइन। विश्व के सबसे अगर समृद्ध भाषा है जो मैथिली है। जोन दिन पहला दिन हमारा साथ बैद्यनाथ यादव जी थे उहे लिखलन टाइप करा के लेलन पर्यटक स्थल के लेल हम जीवेश बाबू के स्मार पत्र दो देने छे। दू बेर मुख्यमंत्री के हम ले ली बिस्फी में और भले कि जो राजकीय समारोह बिस्फी में से घोषणा भी कर दिल के लेकिन विजय बाबू भी आए रहा थे, हम हार गए विजय बाबू जीत गए उनका पुण्य भूमि पर भ गए बिस्फी में नहीं भले लेकिन खैर वो होते। देखो सभ्यता संस्कृति राष्ट्र कहाँ जा रहा है। हम गए प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में इसे भी झूठ बात है कोई, इसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना, मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो रेप कर दो, मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है, जो पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, सब कुछ सर्वे जितना ईसा वास्तविदन सर्वं माने सब कुछ में देवता है। तो बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल आपने सुना। हालांकि विधायक जी यही नहीं रुके, उन्होंने एक समुदाय विशेष की ओर इशारा करते हुए कहा कि मजहब सिखाता है कि कोई आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो रेप कर दो, लेकिन हमारी संस्कृति अलग है, वह सिखाती है कि पत्थर में भी भगवान है, हर चीज में देवता है। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा था कि जड़ चेतन सब में भगवान है। यहाँ तक तो बात ठीक थी विधायक जी, आपने संस्कृति की खान पान की मिथिला संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन आपने जो मजहब वाली बात बोली यहाँ थोड़ा आप गड़बड़ा गए, थोड़ा सा लटक गए, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा और आपको ऐसी वाणी बोलने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि जो लोग हैं आपसे बहुत कुछ सीखते हैं कुछ ऐसा नहीं सीख जाए ताकि समाज में गलत मैसेज जाए और उसका जो प्रतिक्रिया है वो भी गलत आए। इसलिए इस तरह की वाणी बोलने से आपको बचना चाहिए और लोगों को भी सिखाना चाहिए कि इस तरीके के जो भाषण है वो सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल नहीं किया करते। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए
आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।